हे गाइस, आज वीकेंड है 15 अगस्त एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो मैंने आज सोचा कि कहीं घूम के आ जाए और वाइफ इंडिया से आई है बेटी के साथ, सो मैं आ गया हूँ नेदरलैंड्स के एक छोटे से टाउन पे। सो आज हम आए हैं बार्ले नसाओ जो कि नेदरलैंड्स में है। नहीं, आई गेस हम बेल्जियम में है। नहीं बाबा, इट्स नेदरलैंड्स। नहीं, मैं तो बेल्जियम में हूँ। आई गेस इट्स बोथ। वेल दैट्स बिकॉज ये बेन जो है इसके बीच से एक बॉर्डर क्रॉस हो रही है और हर्षद नेदरलैंड्स में बैठा है और मैं बेल्जियम में बैठी हूँ। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी यूजुअल टाउन, देर इज नथिंग मच गोइंग ऑन, बट द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस टाउन इज के यहाँ पे 30 बॉर्डर्स है जो हर जगह पे क्रॉस हो रहे हैं और नेदरलैंड्स के अंदर देर आर 22 पीसेज ऑफ बेल्जियम एनक्लेव्स एंड विद इन दोज 22 एनक्लेव्स देर आर 8 पीसेज ऑफ नेदरलैंड्स अगेन। सो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दिस इज आई थिंक मेक्स दिस टाउन वेरी यूनिक इन इटसेल्फ। ऐसी काफी सारी बॉर्डर्स है यहाँ पे, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस टाउन मोर। जैसे कि इस रोड पे आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेदरलैंड्स के घर है और मेरे राइट हैंड साइड पे बेल्जियम के घर है और इस रोड को डिवाइड किया है स्टील के प्लेट से। अब हम जा रहे हैं टाउन के सेंट्रल में एंड कोविड के वजह से रोड्स एम्प्टी थे एंड काफी कम टूरिस्ट थे। इतना छोटा टाउन होके भी यहाँ के लोगों को दोनों कंट्रीज की सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि दो चर्च, एक नेदरलैंड्स के लिए और एक बेल्जियम के लिए, दो कम्यून और दो मेयर्स, दो पोस्टल सर्विसेज, दो बस सर्विसेज एंड इवन लीगल ड्रिंकिंग एज इन नेदरलैंड्स इज 18 एंड 16 इन बेल्जियम। सो बियर का टॉपिक निकला है तो हम पहुंचे एक यूनिक बियर शॉप में, तो आइए देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस। Is this door into a Belgian side or in the Dutch side? On both sides. You see the border is over here. Yeah. So you're standing in the Netherlands and I'm standing in Belgium. Okay. But officially the store is Belgium. Belgium, because yeah. The door is, I guess it's in the Belgian side. Yeah, but yeah. We also do have a door in the Netherlands side. So okay. Officially it's a Belgian store. Okay. And how do you pay taxes? Like, you pay taxes on both in both the countries, huh? I don't know. That's my boss business. Okay. Most of the beers we do have in our store, they're Belgian. Mm-hmm. So, but we do have Italian beers as well, Scottish beers. We do have Dutch beers. So we have a lot of beers, a big range of beers. Yeah, but yeah. Mostly they're Belgian. Because Belgian beer is the best. Yes, of course. Yeah. So while exploring this town, हमें कुछ shops दिखे जिनको international border divide कर रही थी, जैसे कि ये Seaman shop and ये art gallery जिसके बीचों बीच international border जा रही थी। तो ये तो बातें हो गई shops की, but हमें एक unique house दिखा जिसका एक part बेल्जियम में था और एक पार्ट नेदरलैंड्स में। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के रेसिडेंट को दोनों कंट्री में से किसी भी कंट्री का रेसिडेंटशिप मिल सकता है। सो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि ये टाउन इतने मेसी सिचुएशन में आया कैसे। सो द स्टोरी इज के 12th सेंचुरी में ड्यूक ऑफ ब्रैबेंट को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, सो ही केम टू लॉर्ड ऑफ ब्रेडा। In exchange, he was ready to give some of his land to Lord of Breda. So, later Duke of Barbarin possessed Belgium land and Lord of Breda possessed Netherlands. And in 1995, officially they announced borders for both the countries. उसके बाद ये enclave system यहाँ पे लागू हुआ. So after this, we went to a famous restaurant, Den Engel.
campus. So for the population under 10,000, people here get the best of both worlds. Like for example, in Belgium's side, fuel, cigarette and beer are cheaper, whereas in Netherlands side, food is cheaper. So it was quite a tiring day. So ab main soch rahi hu main mera dinner enjoy kar leti hu, and I'll see you in a bit. Alright guys, this was it. If you like this video, give us a big fat thumbs up. Share karo, subscribe karo, agar subscribe nahi kiya abhi tak to. Jo bell icon hai, use dabao, taki you can get all the notifications from us. Perfect. It's my time to leave. Bye.